हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम असीम है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जॉन। हम बनाने वाले हैं पावरफुल पावर बैंक 7000 mAh की। यह है पावर बैंक मॉड्यूल जो 200 रुपये का मिला है। और यह है लिथियम आयरन बैटरी, इसमें हम 6 लगाने वाले हैं। और यह एक बैटरी 1200 mAh की है, 3.7 वोल्ट। यह है PVC पाइप की शीट और इस पर हम पहले ये सारी चीज़ें रख कर देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है। इसे नापने में हम स्केल की हेल्प लेंगे और यहाँ पर यह 13 सेंटीमीटर बैठी है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर है। पर हम इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर रखेंगे और इस पाइप की मोटाई इस सेल के बराबर है, इसलिए हम इसे रख कर इस PVC शीट को हम रोल करेंगे थोड़ा सा इस तरह। और इसको मैंने गैस चूल्हे पर गर्म करके यहाँ पर ऐसे रोल कर देंगे हम इसे। और यहाँ पर ये हमने बॉक्स तैयार कर दिया है। इसमें हम बैटरी रख कर देख लेते हैं ये सही बना है नहीं बना। और यहाँ पर बैटरी बिल्कुल फिट आई है। और अब इस हम मॉड्यूल को रख कर नाप लेंगे। इसे हमें बीच में लगाना है बिल्कुल। अब हमें जो जो पॉइंट निकालने हैं उन पर मार्किंग करेंगे। इन्हें हम ज्वेलर्स के हेल्प से कट करेंगे जो कि हमने एक वीडियो बनाई है उसकी आप देख सकते हैं।
यहाँ पर हम बैटरी लेवल इंडिकेटर की जगह इतनी काट लेंगे और यहाँ पर हम ग्लू गन लगा देंगे। इसे हम नाइफ की मदद से काट देंगे यहाँ से। यहाँ पर ग्लू गन लगा के ये इसलिए ताकि ये चिपक जाए। इन बैटरीज को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये प्लस वाला टर्मिनल है, और ये माइनस वाला टर्मिनल है। यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब हम इसे पावर बैंक मॉड्यूल में इसे लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बी प्लस, यहाँ पर ये रेड वाला वायर लगाएंगे बैटरी का पॉजिटिव वायर, और यहाँ पर बी नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव वाला वायर लगाएंगे वो ब्लैक वाला। यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे इससे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैटरी चार्ज है। अब हम इसे इसके कवर में रख देंगे जो हमने बनाया था अभी। आप इसे ग्लू गन से चिपकाएं और सही से चिपकाएं ताकि ग्लू गन इसकी प्लेट में ना लगे जाके। इसे हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। अब इसे हम सैंड पेपर से घिस देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी बेहतरीन लग रही है। अब हम इसकी टेस्टिंग पर चलते हैं। इस बटन से आप चेक कर सकते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है, और ये कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाती है। अब हम इसमें मोबाइल लगा कर देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने मोबाइल चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी चार्ज करने की, क्योंकि ये 5 वोल्ट से चार्ज करता है।
इसे अब हम चार्जिंग पर लगा कर देखेंगे। अरे यहाँ पर चार्ज होने लगा है।